सेम सेम प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव स्मॉल चिल्ड्रन तो क्या वजह है कि हमारे पास पेशेंस नहीं है मैंने बात जिस तरह से शुरू की पेशेंस हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बहुत ही अन हीड और हर्ड कॉम है एज मदर्स ब्लेम गेम नहीं मैं खेलना चाहती मैं ये नहीं कहना चाहती कि हम अन अटेंटिव मदर्स हैं एक्चुअली रिसर्च और स्टडी बताती है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव पेरेंटिंग अब अवेलेबल है आज की माओं को वो एक्चुअली आज से कुछ साल पहले तक यानी कि हमारी मदर्स और उनकी मदर्स को अवेलेबल नहीं था और आ, हम सोचते हैं कि हमारी उस वक्त की माएँ बहुत पेशेंट थीं हमारे साथ और अब हम पेशेंट नहीं हैं तो इसमें हाँ इसमें कुछ हकीकत ज़रूर है आई वुड नॉट गो कम्प्लीटली विद सेंग नहीं जी um, जिस इट्स जस्ट आवर जनरेशन दैट्स वेरी कंप्लीटली इम्पेशेंट और हमें बच्चों की बात बात पर गुस्सा आता है एक्चुअली अगर मैं स्पेशली मैं चूंकि एक पेरेंट कोच हूँ और मैं दिन में कोई तीन चार कॉल्स बाकायदा लेती हूँ कंसल्टेंसी के विद विद मदर्स और उसमें होता है कि यंग मदर्स का अलमिया ये नहीं होता कि वो, वो ये कहती हैं कि हमारे बुजुर्ग हमें इम्पेश बना देते हैं एंड देर नॉट इवन ब्लेमिंग इट देर लाइक माई मदर इन लॉ इज गुड माई माम इज गुड हर हार्ट इज एन द गुड प्लेस माई फादर इन लॉज मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है जब बच्चे शोर कर रहे होते हैं जाहिर सी बात है बूढ़े लोगों को शोर और फास्ट और रोना धोना नहीं पसंद होता लेकिन छोटे बच्चों का काम है रोना धोना ये हमें समझ नहीं आता कि छोटा बच्चा जो है उसने रोना है उसने रोके अपने एक्सप्रेशंस बताने हैं मेरी पूरी एक स्टडी है मेरे youtube चैनल पे जाएं parenting uncomplicated with iram bin safiya पे जाएं i have done 6 to 7 books summaries on the brain development of children on the unconditional parenting of children on how to become a positive parenting to children अगर आप लोग सिर्फ वो स्टडीज देख लें वो समरीज सुन लें तो मेरे ख्याल से हम सबकी जो parenting है ना उसका perspective different हो जाएगा तो बात यहाँ पे ये करते हैं कि फिर पेशेंट्स किस तरह से गैदर करें देखें जो सिंगल फैमिली होम्स वाली मदर्स हैं यानी कि मेरी तरह के पेरेंट्स जो वेस्ट में रहते हैं जिनके माँ बाप या जो सास ससुर वगैरह हैं वो कुछ महीनों के लिए आके पास रहते हैं फिर चले जाते हैं या ऑन एंड ऑफ आते जाते रहते हैं हमारे लिए आसान है बाउंड्री सेट करना हमारे लिए आसान है ये कहना कि देखें ये मेरा स्टाइल ऑफ़ पेरेंटिंग है बहुत मदबाना तरीके से जहाँ पर हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो कह नहीं सकते फिर ये मेरी पूरी इमोशनल रिजिलियस और इमोशनल डेवलपमेंट पर बात चली जाती है जिस जो अगेन मेरा शोभा है कि मदर्स को सिखाना कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपने बनाने कैसे हैं तो जब छोटे बच्चे का काम है रोना और छोटे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट उसको अल्फाज नहीं देती लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन देती है और जीरो से लेके तो तकरीबन सात साल तक के बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो बहुत विविड है ब्राइट है स्मार्ट है लेकिन उसकी वैकेबुलरी उतनी डेवलप्ड नहीं है कि वो बता सके कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है एक तो ये बात हो गई ये बच्चों के हवाले से हो गई और मैंने मदर्स की तरफ से कहा कि हमारी बहुत सारे अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं है। हमारे अपने बचपन के जहाँ पे हमें कहाँ जाता है चुप करके बैठ जाओ हमारी अगर मैं सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही उठा के देख लूँ तो मैं बता सकती हूँ कि मतलब इतनी दफ़ा मेरे कान पुल किए गए थे कि मुझे लग लगा था कि मेरे कान ही लटक जाएंगे कहीं पर ठीक है मतलब थप्पड़ मारना बच्चों को या पनिश करना बहुत ही आम सी बात थी बहुत ही आम सी बात की मतलब कि डंडे से पटाई कर देना मैंने अपने बच्चों की पिटाई की हुई है मैं मैं इस बात को एतराफ़ करती हूँ मैं इस बात का कि आई एम गिल्टी ऑफ द सेम थिंग बिकॉज दैट इज़ इन योर ट्रेनिंग दैट इज़र वो कहते नहीं है ये आपके डी एन ए में है आप इसे आप इसे हटोगे कैसे आप इससे बाज़ कैसे आओगे ये हमारे डी एन ए में नहीं है ये हमारे सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम में है साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जब ट्रामा हम पे किसी भी किस्म का आता है अच्छा ट्रामे का जो है ना वो बहुत बहुत कैजली अब्यूज़ होता है उसकी वजह क्या है कि ट्रामे का मतलब ये नहीं कि खुदा ना खासा कोई ट्रक के नीचे आ जाएगा या कोई फौत होने वाला होगा तो वो ट्रामा है एक थप्पड़ भी इनफ ट्रामा होता है फिर आप मुझे कहेंगे कि ओ ये तो मतलब कि ये तो फिर बहुत ही मम्मी डैडी किस्म के बच्चे हो गए या बहुत ही मम्मी डैडी किस्म के लोग हो गए जिनको छोटी छोटी बात पर और मजाक बने हुए हैं कि वाइट पेरेंट्स वर्सेज ब्राउन पेरेंट्स और वेस्ट के पेरेंट्स जो है वेस्ट के पेरेंट्स भी उतने ही रिटिकुलरस हैं जितने के ईस्ट के जैसे की ईस्ट के पेरेंट्स होते हैं उनमें भी सबर की उतनी ही कमी है आप अभी इस वक्त गूगल uh, करो हाउ टू बी अ पॉजिटिव पेरेंट तो साहर सी बातें आप जिस इलाके में होते हो वहां की जो गूगल अपडेट होती है मतलब की उस एरिया की वहां, वहां के आर्टिकल ज्यादा आते हैं लेकिन बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और वन मिलियन प्लस पॉजिटिव पेरेंटिंग के आर्टिकल्स सिर्फ अमेरिका के अंदर रो मतलब पूरे एक साल के अंदर जो है ना वो आते हैं और उसमें एग्जैक्टली सेम बातें बाय डिफरेंट राइटर्स रिपीट हो रही होती हैं कि बच्चों के साथ सबर कैसे करना है बच्चों के साथ सबर क्यों नहीं कर सकते क्या वजह है कि नहीं सबर कर सकते वजह सिंपल सिंपल इज दैट ये है हमारी अपनी पेरेंटिंग एक वजह है हमारे पेरेंट्स का इंटरफेरेंस वो दूसरी वजह है नंबर तीन ये कि हम सोसाइटी को कुछ प्रूफ करना चाहते हैं तीसरी ये वजह है चौथी ये वजह है कि हम खुद बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं और ये हमें मान लेना चाहिए कि वी आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड पेरेंटिंग कॉम हमारी जो माएं थी उनकी डिस्ट्रैक्शन ये थी कि घर के काम कंप्लीट करने घर साफ होना चाहिए मैंने कई अभी की आज की लड़कियों को भी सुना है कि मेरा घर बहुत गंदा होता तो मैंने उनसे मैंने उनको रोक के पूछा आपका बच्चा कितने साल का है दो साल का और कितने साल का नहीं मेरा एक बेटा दो साल का दो तीन साल का है चार साल का पाँच साल का मतलब कि ऑलमोस्ट ट्विन हो गया ना जीरो टू लेकर अगर सिक्स ईयर्स तक आपके बच्चे ऊपर नीचे गए हैं तो योर यूर गोइंग टू हैव हैवर गोइंग टू हैव द सेम इफेक्ट इफ यू आर गोइंग टू हैव द सेम इफेक्ट मुझे सिर्फ इतना समझा दो अल्लाह के बंदों, घर साफ रखना या अपने आप को और अपने बच्चों को सेन रखना दोनों को माजना कर लो कौन सी ज्यादा चीज़ important है घर गंदा है तो उसका मतलब क्या है कि मतलब कितना को गंदा है क्या वो हेल्थ हैजर्ड होने वाला है यानी कि खुदा ना खासा मतलब अब तो खैर कोरोना है लेकिन उससे पहले भी या उसके बाद भी अलहमदुल्ला अगर आपके घर में मतलब सफाई सुथराई दिन में एक दफ़ा हो जाती है या दो दिन में एक दफ़ा हो जाती है कितना गंदा है घर के उसके लिए अपने आप को परेशान करना अपने बच्चों को परेशान करना सारी दुनिया में वावेला मचाना कि बच्चे गंद मचाते हैं बच्चे गंद मचाते हैं बच्चे गंद क्या मचाते हैं क्या गंद मचाते हैं खिलौने उनके उल्टे पुल्टे होते हैं कहीं पे कहीं पे उनकी रैपर्स किंग पे गिर जाते हैं कहीं पे उन्होंने सोफे के कुशन नीचे गिरा दिए होते हैं ये तो जीता जागता घर है ये गंदा घर नहीं है ये माइंड सेट चेंज करो कि ये जीता जागता घर है अल्लाह ने मुझे माँ बनाया पेरेंट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है न, अ, मेरे पास बच्चों की नेमत है माइंडसेट चेंज करो ठीक है और और मुझे हंड्रेड परसेंट पता यहां पे मुझे रोक के कहा जाता है जी मैं तो समझती हूँ मेरी मेरी सास नहीं समझती मेरे ससुर नहीं समझते मेरे हस्बैंड नहीं समझते मेरे ये नहीं समझते मेरे वो नहीं समझते हर किसी को समझाने का ठेका मैंने नहीं लिया हुआ ये आप किसी को कैसे हर वक्त समझा सकते हो आप सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल भी तो सकते हो आप उल्टा उस वक्त में जब बच्चे को सारे डांट डपट कर रहे हो तो बच्चे को गले लगा के प्यार करके मुंह पुचकार के उसको बोलो यार यू आर वेरी इंपॉर्टेंट आप इंजॉय कर रहे थे चलो बहुत अच्छी बात है चलो आप मिलकर सफाई कर लेते हैं आई डोंट नो वट वर्क फॉर यू मुझे नहीं पता कि आपके लिए क्या काम करेगा लेकिन मैं आपको गारंटी यकीन के साथ भी बात कर सकती हूँ कि अगर आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो और बच्चे को उस वक्त ज्यादा प्यार करते हो जिस वक्त के सारे लोग बच्चे को खाने का दौड़ रहे हो और बल्कि बच्चे को अपनी ईगो का मसला ना बना लो कि तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे बाप से सुननी पड़ी और तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारी दादी से सुननी पड़ी और तुम्हारी वजह से मुझे फलाने से सुननी पड़ी अगर ये इस एक बीमारी को अपने दिमाग से दिल से अपनी ईगो से निकाल दो तो आई कैन अल्लाह सुबहाना माल करे और आप ये देखें अपनी जिंदगी में रिजल्ट कि आपको अपने किसी भी बच्चे पर गुस्सा नहीं आएगा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वालों की बात कर रही हूँ या जिनकी सहेलियां खलाएं माएँ दोस्तें वगैरह जो हैं वो उन उनपे मतलब कि उनको बार बार ये बात बताती हैं प्यार करो यार अपने आप से प्यार करो अपने बच्चों से प्यार करो किस चीज़ की जल्दी है चले कहाँ जाना है वो खिलौने छः साल के बाद वो इस्तेमाल नहीं होने किसी को गिफ्ट कर देना वो ये तकिए उथल पुथल करने वाला कोई रहेगा नहीं क्यों मांगते हैं हम औलादें और सेहतमंद औलादें जब हम उनकी सेहत तंदुरुस्ती को खुद धरम भरम करने के दर पर रहते हैं कि बस किसी तरह से इनको एग्जैक्टली exactly हम वही करते हैं जो हमारे साथ होता है ठीक है जूम है और जूम की कंटिन्यूएशन है बेसिकली कि परफेक्ट होना चाहिए परफेक्ट अल्लाह की जात के अलावा कोई और जात नहीं होती आ, ये लेबल हटा दो कि मेरा बच्चा हाइपर है आपका बच्चा एक्टिव है ठीक है नंबर वन किसी का बच्चा हाइपर नहीं है किसी का बच्चा बदतमीज नहीं है किसी का बच्चा टिक के नहीं बैठ सकता ये बातें नहीं है बच्चा एक्टिव है बच्चा एक्सप्लोरेटिव है बच्चा खेलना चाहता है बच्चे की इमेजिनेशन बिल्ड हो रही है हां बच्चा मेरी टॉलरेंस में नहीं है तो फिर अपनी बात करो मैं नहीं टॉलरेट कर सकती इस तरह के बच्चे को मुझसे तुम्हारा बच्चा टॉलरेट नहीं होता फिर अपनी बात करो बच्चे का कसूर नहीं है अल्लाह ने सारे बच्चों को ऐसा ही बनाया कैन यू इमेजिन दैट द साइंटिस्ट से दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज इवन फॉर अस हमारी एज में आई आई एम थर्टी एट टूडे राइट तो ईवन फॉर माई सेल्फ की मुझे मूवमेंट की जरूरत है हम समझते हैं मूवमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए नहीं एक्चुअली मूवमेंट और कंटिन्यूस मूवमेंट जो होती है एक्सरसाइज करना योगा करना मेडिटेशन करना खेलना कूदना जो मर्जी आप करना चाहो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेस रिलीफ दे रहे हो हमारे बच्चे हमारी चीख पुकार से स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं खामोश हो जाते हैं नम हो जाते हैं डिफाइंड हो जाते हैं बदतमीजी करने वाले हो जाते हैं गुस्से में चले जाते हैं फिर हम मान में कहते हैं मेरा बच्चा इतना गुस्सा करें मुझे समझ नहीं, नहीं में करूँ क्या यार खुद ही तो उसको पागल किया आपने क्या करना है सब्र करो रिपेयर करो अपने रिलेशनशिप को देखिए रिलेशनशिप्स हमेशा रिपेयर हो सकते हैं मतलब कि अल्लाह सुबहाना व ने क्यों ये कहा है कि कता ही ना करो रहम करो फॉरगिव करो रब जिसने हमें बनाया क्या वो नहीं जानता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है हमारी स्ट्रेंथ है फॉरगिव करना पर हम भूल गए हैं प्रैक्टिस नहीं करते ना नेगेटिव सो so, um, हमारी स्ट्रेंथ है मोहब्बत करना हमारी स्ट्रेंथ है चूज करना चूज करो आज अपने आप को बोलो कि मैं चूज करती हूं और रोज अपने आप को ये बोलो क्योंकि हम रोज भूल जाते हैं देखिए मेरी बात सुनें अगर 20 इयर्स की हमारी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है ना तो एक लेक्चर एक एक स्पीकर एक कोच के बाद आप ठीक नहीं हो जाएंगे ठीक होंगे हम ओवर द ईयर्स ओवर द ईयर्स मैंने ये बात कई दफा की है कि बिगाड़ अगर इतने सालों में आया है तो फिर अच्छा करने के लिए भी कुछ टाइम दें अपने आप को प्लीज कुछ टाइम दें अपने आप को अपनी स्टेटमेंट्स चेंज करें ये ये बात मैं कर चुकी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी चलें एक साइंटिफिक uh, स्टडी जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो मैं ये कह रही थी कि हम जान, हम जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिन होते हैं ठीक है और जो कि हमारी फूड में होते हैं और जो हमारे पानी में होते हैं और वो हमारी बॉडी में जाते हैं और वो हमें मतलब के हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस में भी टॉक्सिन होते हैं और उसमें जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को फॉल्स अलार्म जाता है कि हो तुम पे अटैक होने वाला है अपने आप को बचा लो लेकिन वो फॉल्स अटैक है ठीक है और वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो इन्फ्लेमेशन होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में ओवर द इयर्स पड़ जाते हैं और उसकी वजह से हमें ज़ुकाम जल्दी होता है हमें हर वक्त माइग्रेन रहता है हमें फिटीक रहती है हमें आर्थ्राइटस होता है और ना खास्ता अगर वो बढ़ता चला जाए तो वो कैंसर तक पहुँच जाता है और हमारे हर सेल में हमारे हर सेल में हमारा इमोशन बैठा होता है ये मैं नहीं कह रही ये साइंस के अल्लाह तो अब हमने आज ये चूज करना है कि हम अपने हर सेल के अंदर इमोशन कौन सा बैठाना देना चाहते हैं हर सेल के अंदर हर वक्त खुशी और इतमान और तमानत नहीं रह सकती दुनिया जो है वो टेस्ट और ट्रायल की जगह है ये बात मैं कई दफ़ा अपने कई टॉक्स में कर चुकी हूँ लेकिन मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि यार जब अल्लाह ने हमें चॉइस दे दी है तो फिर हम क्यों नहीं चूज कर लेते हैं क्यों नहीं चूज कर लेते अपने बच्चों से रहमदिली से बात करना क्यों नहीं चूज कर लेते अपने माइंड को चेंज कर लेना मतलब कि सबका जा हैं हमारी औलाद हमारे लिए हैं। तो उनसे मोहब्बत करें अगर उनके कोई डेवलपमेंटल स्किल्स हैं अगर उनके कोई डेवलपमेंटल लैग्स हैं तो हम उस पर फाइंड आउट करें देखें सबसे पहले जर्नी शुरू होती है अपनी हीलिंग से माँ बनना आसान है किसी ने बहुत अच्छा आज कहीं पर लिखा हुआ था कि uh, अपने बच्चों की परवरिश uh, जहनी नशो नमा करें उनको सब्र करना सिखाएं उनको शुक्र करना सिखाएं ये प्रोफेटिक uh, सुन्नतें हैं जो मैं बच्चों को सिखानी है ये जो हम हर वक्त सिर्फ खिलाने पे और कपड़े पहनाने पे देते हैं ये तो इंसानों वाला सलूक ही नहीं है ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने घर में जानवर पाल लिया जब दिल किया है उसको पुचकार लिया जब दिल किया उसको खंगाल लिया जब दिल किया उसके मुँह में कुछ डाल दिया और उसको बादशाह दे दी मतलब गिलियाँ कुत्ते रखते हैं ना उन लोग घर में इज देर नॉट अ डिफरेंस ठीक है

और घर कितने सालों तक के लिए रहेंगे और हम खुद कितने सालों तक के लिए हैं वी हैव टू फिगर really have टू फिगर दैट आउट मैं नहीं मानती इस बात को कि अगर मैंने ही कोशिश नहीं की तो कोई बाहर से आके मुझे सोल्यूशन दे देगा नहीं दे सकता कोई सोल्यूशन ये सोल्यूशन मैंने खुद क्रिएट करना है तो आम हम अक्सर ये सोचते हैं उफ फला तुम क्यों मुझे हर वक्त तंग करते हो उफ फल्ला तुम्हें क्यों नहीं मेरी समझ आती है उफ 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 करते रहते हैं वो बच्चा भी उफ उफ करना शुरू करता है फिर शुरू शुरू में जब वो बच्चा उफ करता तो तुम कहते हैं हाई कितना क्यूट है कितना क्यूट है और जब वो बच्चा बड़ा होकर उफ करता तो तुम कहते हैं कितना बदतमीज़ है ज़ाया हो गई मेरी जिंदगी तुम पर मैंने तुम्हारी तरबियत क्या की और दूसरे लोग कहते हैं देखा तुम्हारी माँ की तरबियत ही खराब थी किसी हाल में लोग जीने नहीं देते पता है मुझे लगता है कि हमारी पेरेंटिंग एग्जैक्टली वो वाली मिसाल है इस सब फेबल्स आपने सुना होगा कि एक आदमी होता है वो गधे गधे के साथ जा रहा होता है लोग कहते हैं गधे पे जुल्म कर रहा है पहले बेवकूफ है गधे के ऊपर बैठ जाओ फिर कहते हैं गधे जुर्म कर रहे गधे को अपने ऊपर उठा लो मतलब कि किसी हाल में लोग रहने ही नहीं देते तो सोचो कि आपके और आपके रब के दरमियान अगर रब ने इनायत यह इनायतम करी दी है तो फिर इसको बेहतरीन तरीके से आगे लेके चलना है दूसरी चीज ये कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मेरे बचपन में मेरी जवानी में मेरी मेरे साथ जिस किस्म की पेरेंटिंग हुई मैं जिस एजुकेशन सिस्टम से आई हूं उसमें बहुत रिजिडिटी थी बहुत रिजिडिटी चुप करो सीधा चलो इधर नहीं देखो राइट नहीं देखो लेफ्ट नहीं देखो स्टैंड अप स्ट्रेट डाउन होमवर्क टाइम से होना चाहिए टू द डॉट टू द टी लाइन के दरमियान मिसिंग क्यों हुआ उसको डिसिप्लिन का नाम दिया जाता था मैं मानती हूँ कि हमारे दिन में भी डिसिप्लिन है पांच वक्त की नमाजें टाइम से पढ़ो रोजे रखो जगा दो लोगों से एहतराम से बात करो दिल, किसी का दिल ना दुखाओ काइंड अल्फाज इस्तेमाल करो मेरे तीन टीनेजर्स दो टीजर्स और एज, एक प्री टीन है मैं अपने आप को हर वक्त ये कहते हुए पाती हूँ प्लीज बी काइंड टू ई आदर ये करने का काम मेरा है लेकिन मुझे इसमें उनको हर वक्त बुरा भला कहने की जरूरत तो नहीं है मैं उनको कह सकती हूँ कि काइंडनेस होनी चाहिए काइंडनेस होनी चाहिए मैं उनसे बल्कि खुद कहती हूँ कि तुमने किस वक्त मुझे देखा कि मैं इतनी बदतमीजी से अपने किसी बहन भाई से बात कर रही हूँ अब इसकी बात है लड़ते भी हैं बहन में मतलब ये ही बहन है सुबह अला मेरे बच्चों ने मुझे उसके साथ लड़ते हुए भी देखा लेकिन <laughs> लेकिन द थिंग इज दैट इज लाइक लाइफ लाइफ इज सपोज टू बी नॉर्मल एंड मेसी एंड देन वी रिपेयर वी रिपेयर ये जो रिपेयर uh, का लफ्स है ना इसको अपनी पेरेंटिंग में डाल लो कि डैमेज करेंगे हम जानबूझ के हम डैमेज नहीं करते पर हम रिपेयर कर सकते हैं अपनी पेरेंटिंग को बाउंड्रीज रखें जाहिर सी बात है बच्चों को सिखाएंगे नहीं कि अदब क्या है लिहाज क्या पर अदब और लिहाज अपनी प्रैक्टिस से सिखाएं स्टोरी बुक्स से सिखाएं सीरा से सिखाएं अच्छी स्टोरी बुक्स हों जिनके मॉरल्स अच्छे हों अच्छे कैरेक्टर्स से इनको इंट्रोड्यूस कराएं उनके मैंटोर्स अच्छे हों आप अप अपना सर्कल देखो मैंने कितनी दफ़ा यह बात कही और इसी ग्रुप में एक्चुअली कही है कि प्लीज़ पेरेंटिंग की बुक्स जो हैं वो खरीदें पेरेंटिंग पॉडकास्ट सुने अपने ईस्ट और वेस्ट के कल्चर को जहन में रखते हुए अपने दीन को जहन में रखते हुए अच्छी चीजें एब्जॉर्ब करें और उनको अमल में लाने की कोशिश करें प्लीज़ एक दूसरे को लेबल्स देना छोड़ दें कोई बात अगर आज लेके जाएंगे ना तो वो ये बात होनी चाहिए प्लीज एक दूसरे को लेबल्स देना छोड़ दें तुम ऐसी मदर हो तुम्हारा बच्चा ऐसा है तुम्हारा शौहर ऐसे है हाँ एक बात मैं यहां पे जरूर करना चाहूंगी कि देखिए पेरेंटिंग जो है ना वो माँ और बाप दोनों का फर्ज है लेकिन अगर ऑनेस्टली ओवर अक्रॉस द ग्लोब अगर आप डेटा लेके पूछोगे ना तो फादर्स की पेरेंटिंग जो है वो केकिन होती है जब बच्चे जवान होना शुरू होते हैं क्यों कहा गया हमारे दीन में भी कि मदर्स की जो पेरेंटिंग है वो उनकी गोद से शुरू हो जाती है तो हम पहले मोमेंट से जैसे ही बच्चा आता है दुनिया में उसको दूध पिलाने से लेके तो उसके जवान होने तक हमारी पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती फादर्स की की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग द कवाम ऑफ द हाउस बीइंग प्रैक्टिसिंग दीन इन द हाउस बीइंग नाइस टू द मदर बीइंग काइंड टू द मदर बीइंग बींग रिस्पेक्टफुल ऑफ द पेरेंट्स ये सारी चीजें फादर्स की जिम्मेदारी है लेकिन देखें फादर्स जो होते हैं ना वो मेजोरिटी ऑफ द यंगर ईयर्स चाइल्ड चाइल्डहुड वो प्लेमेट्स होते हैं अपने बच्चों के अगर वो खुश मिजाज फादर्स हैं तो खेलेंगे बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे घुमाएंगे फिराएंगे मदर्स अक्सर शिकायत करती हैं आप ना उसको डांटना था आपने उसको बताया क्यों नहीं कि उसने ये किया उसको ये नहीं करने की जरूरत थी ना किया करें इस तरह से सीरियसली फादर्स भी बेचारे परेशान हो जाते हैं लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक दूसरे के खिलाफ ना किया करें मतलब पेरेंट मतलब फादर्स को या मदर्स को ना बच्चों के खिलाफ ना किया करें यूर अ टीम यूर अ टीम हम डिस्कस करें कि भाई ये उस बच्चे ने किया मुझे इस चीज़ ने तंग किया मैंने इस चीज़ से इसको एड्रेस किया आपकी क्या राय है कॉन्वर्जेस करें बजाय इसके कमांड्स फेंकते हैं हम अपने हस्बैंड्स पे अगर हम अगर हमारी अगर हमारी शादी शुदा जिंदगी जो है वो नॉर्मल है और पुरसकून है और क्या कहते हैं हमें कम्युनिकेशन की आदत है और वो लेवरेज है हम दोनों का कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर तो खुदा ना खास्ता प्रॉब्लमेटिक मैरिजेज़ हैं तो फिर मैंने कई दफ़ा ये बात कही कि भाई अपने करने के काम सीधा सीधा करते चले जाओ और अपने बच्चों को एक हद तक प्रोटेक्ट भी करो अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का पेरेंट सेकेंड पेरेंट इस तरह का है कि मतलब वो मारता है या मारती हैं या जारहाना किस्म का सलूक है तो प्लीज़ फिर अपने पेरेंट अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें कम्युनिकेट करना शुरू करें देखें हर बंदे का ना अपना एक जिहाद है किसी को ज़िंदगी में आसानी नहीं मिली कसम उठा के मैं कहती हूँ किसी कोई दुनिया का शख्स आसानी में नहीं रह रहा नजर आता होगा हर किसी के पास अपने करने अल्लाह सुबहाना वाली ने क्यों कहा है कि मैं हर किसी पे सिर्फ उतना ही बोझ डालता हूं जितना कि वो उठा सकता है ये हमारी थिंकिंग है और सोशल मीडिया को अल्लाह सुबहाना वाली मैं गरत तो नहीं कहूंगी मैं मैं खुद इस पे आपसे बात कर रही हूँ <laughs> लेकिन हमें सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक عطا में हम अपनी बेस्ट पिक्चर्स अपने बेस्ट मोमेंट्स शेयर करते हैं हम अपनी बेस्ट थॉट्स शेयर करते हैं हम अपने डीपेस्ट डार्केस्ट मोमेंट्स शेयर नहीं करते खैर अब तो ट्रेंड बन गया कि अपने फ्लॉज़ भी हम डालते हैं ताकि लोगों को पता चले कि भई एवरीथिंग इज नॉट यू नो ब्रिलियंट मतलब कि हैं फ्लॉज़ हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लर्न सीखें Don't, don't stop learning. Don't stop learning, uh, एक काग्नेटिव बिहेवियर थे चले हम उस पर बात करते हैं कि देखें कॉग्नेटिव ट्राइंगल होता है इस तरह का तो, ठीक है ये कागनेटिव ट्राइंगल है इसमें आपकी थॉट्स हैं सबसे ऊपर इसमें आपकी फीलिंग्स हैं सबसे नीचे और इसमें आपका बिहेवियर है ठीक है तो आपकी थॉट्स और आपकी आप, नहीं, आपका behavior, आपकी ये चीजें मतलब कि रन करती हैं वो वाली मैं बात कर रही थी ना कि अगर आपने अपनी थॉट्स को चेंज किया तो आपका बिहेवियर चेंज होगा आपकी फीलिंग्स चेंज होंगी और उसको पॉजिटिव करने के लिए यू हैव टू रियट्रेट यूर सेल्फ दुनिया का आखिर नहीं हो गया कोई बात नहीं अगर मैस हो गया कोई बात नहीं अगर मेरे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया कोई बात नहीं अगर मेरा बच्चा स्नैप आउट हो गया एक 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 चाइल्ड साइंटिस्ट है उन्होंने डॉक्टर हैं वो इस वक्त मुझे गैबर्ट या गैबर करके उनका लास्ट वर्ड है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते इंसान रहने की सोच रहे हैं इस बात को ऐसा क्यों है कि हम अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते कि वो इंसान रहें यानी कि उनके मूड स्विंग्स नहीं हो सकते वो रो नहीं सकते वो चीख चिल्ला नहीं सकते वो वो बदतमीजी नहीं कर सकते ऐसा क्यों है ऐसा कैसे है हम करते हैं हम अपने बच्चों के साथ रोज़मर्रा की जिंदगी में बदतमीजी कर रहे होते हैं जब हम यूं करके शराब कहते हैं अपने बच्चों को कहते हैं भाई कहते हैं जब हम अपने बच्चों को खुदा ना खास्ता कोई बहुत जोर से चीखते चलाते हैं या जब हम अपने बच्चों के हाथ से चीजें छीन लेते हैं हम उनके सामने लाइव एग्जाम्पल्स हैं बदतमीजियों की तो वो कैसे बदतमीजी नहीं करेंगे तो फिर करने का काम क्या है सबर करें सबर सीखें पेशेंट सीखें पॉजिटिव पेरेंटिंग सीखें पॉजिटिव पेरेंटिंग अब ये बिल्कुल आ, 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 बहुत मजे की बात है आ निया, आ, रेडियो पर्सनालिटी हैं माशाल्लाह अच्छा बोलती भी हैं अनम अली ठीक है उनको भी मैं फॉलो करती हूँ उन्होंने बहुत अच्छी बात की उन्होंने कहा हर कोई कहता है पॉजिटिव सोचें पॉजिटिव सोचें मतलब पॉजिटिव सोचें एक इट वर्ड हो गया हुआ है ठीक है ना पॉजिटिव रहा करें हालांकि करने का काम कोई पॉजिटिव हम कर नहीं रहे होते बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी तो वो मेरे साथ स्टक हो गई इसी तरह से पॉजिटिव पेरेंटिंग भी बड़ा इट वर्ड हो गया है क्या पॉजिटिव पेरेंटिंग पॉजिटिव पेरेंटिंग इन ऑल ऑफ इट सेल्फ अगर उसका निचोड़ निकालें तो इट इज़ सुना पेरेंटिंग और सुना पेरेंटिंग में ये कि जीरो टू टू सेवन ईयर्स के बच्चों के साथ इंतहाई सबर का सलूक करो अच्छा अगर बच्चा चीख रहा है चिल्ला रहा है उसका मेल्ट डाउन हो रहा है तो मूव अवे कर जाओ या पास खड़े होकर कोई और काम करना शुरू कर दो उस चीख पुकार चिल्लार को समझो कि वो तुम्हारा या मेरा ट्रिगर क्यों है अगर तो बच्चे का रोना धोना मेरा ट्रिगर है तो इसका मतलब है मुझे हीलिंग की ज़रूरत है मुझे इस ट्रिगर को ओवरकम करने की ज़रूरत है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा गलत है प्लीज़ हम अगर अपनी डिक्शनरी से अपनी विकैबलरी से अपनी थॉट प्रोसेस से अपने वर्ड प्रोसेस से ये निकाल दें कि बच्चा गलत है बच्चा सीख रहा है बच्चे के पास इनफ वर्ड्स नहीं हैं बच्चे को कम्युनिकेट करना नहीं आता है बच्चा एनर्जी चाहता है टाइम चाहता है स्पेस चाहता है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें अगर हम बच्चों के लिए तो फिर हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा अपने ट्रिगर्स को रिजॉल्व करना पहले से प्लानिंग करें देखें दिन भी सिखाता है कि हर चीज़ को प्री प्लान रखें अगर आपको पता है कि आपने थक जाना है या आपको पता है कि आपके पास आज दिन के चार बहुत इंपॉर्टेंट काम है हर बंदे को पता हो कि आज के चार दिन दिन के चार काम है प्री प्लानिंग कर लें अपने टाइम को ये तो हमने ही करना है ना कि हमने खाना किस वक्त प्रिपेयर करना है खाना किस किस आ, किस वक्त देना है किस वक्त स्नैक देना है किस वक्त और हमें पता है कि अगर हमारे साथ डिफ़िकल्ट लोग रह रहे हैं तो हमने उनके अराउंड अपने टाइम को मनूवर कैसे करना है ये भी हमारे अपने करने के काम हैं अगर हम अपने करने के कामों को सीधा कर लें विध प्लानिंग एंड स्मार्ट प्लानिंग नॉट कंट्रोल्ड प्लानिंग प्लीज एक तो हमारी खातन का बहुत बड़ा मसला है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। ओ इतने बजे अब इतने बजे नहीं हुआ तो सपोजटली आई एम फेलियर नो वी प्लान एंड अल्लाह प्लान एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर एंड वी मेरे लिए आसानी फरमा, मेरे लिए आसानी फरमा, यार मेरे लिए हर काम को आसान कर दे और मैं आपको यकीन से बात ये बताती हूँ कि जब ये हमारी रेगुलर दुआ हो जाए ना सलावाद के साथ दुरूद के साथ ये हमारी रेगुलर दुआ हो जाए हमारी जिंदगी वाकई में आसान होने लगती है क्योंकि हमारा माइंड सेट आसान हो जाता है लोग नहीं आसान होते माइंड सेट आसान होता है ये कभी भी नहीं होगा कि जो लोग डिफिकल्ट हैं बाय नेचर वो आसान हो जाते हैं अल्लाह दिलों में रहम जरूर डालता है लेकिन हम आसान हो जाते हैं अपनी सोच में प्रिस्पेक्टिव, अपना चेंज करें खैर मेरे ख्याल से मैं काफी हद तक ये बात कर कर चुकी हुई हूँ कि ये सारी चीजें लाइफ में नॉर्मल होती हैं अगर मुझसे कोई पूछे कि इनम बीबी आपने कोई हमें फिजिक, हमें प्रैक्टिकल टिप्स नहीं बताए ठीक है आपको प्रैक्टिकल टिप्स एटलीस्ट ओवर ओवर द टॉप ऑफ माई हेड में आपको दे देती हूँ नंबर वन सबर करना सीखें नंबर टू अपनी हीलिंग सीखें नंबर थ्री अपने ट्रिगर्स फाइंड आउट करें कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं नंबर फोर अपनी डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करें इफ यू वॉन्ट टाइम इफ यू वॉन्ट अ सेल्फ केयर टाइम जो कि हमारे पास होना चाहिए तो फिर उस टाइम को अनाउंस करें अपने बच्चों को बताएं क्योंकि आप इमोशनली हर वक्त अपने बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती अगर आपके बच्चे पांच साल से लेके तो दस साल तक की एज के दरमियान के हैं तो आपको उनको रि करना है कि बेटा मामा को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम चाहिए उस वक्त मामा ये काम करिए आप पास बैठ सकते हो आप कोई खेल सकते हो आप कुछ रीड कर सकते हो या आप नैप ले सकते हो उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बच्चों को हर बच्चे को अगर आपके छह बच्चे हैं आपके दस बच्चे हैं आपके दो बच्चे हैं नो डज नॉट मैटर यू हैव टू गिव एवरी सिंगल डे Every single day you have to give your child, each child specifically अलग अलग उसको उसका time देने की जरूरत है इसका मतलब है कि अगर Ahmed, Rashid, Fatima, maryam khadija मेरे पास hain ठीक है Just considering। और ये सारे जो हैं ये 6 सात 5 तीन दो या एक साल की age के हैं ठीक है अब मैंने करना क्या है कि मैंने अपने दिन के दो घंटे block कर लेने हैं खाना सुबह पका लिया चाहे चार बजे उठ के पकाना चाहती हो चाहे पांच बजे उठ के पकाना चाहते हो इट डज नॉट मैटर दिस इज योर फाइंड आउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ठीक है और फिर उसके बाद बच्चों का जो टाइम है जो आपको वन ऑन वन टाइम देना है वो आपने मैप आउट कर लिया और उसके बाद आपने हर बच्चे को ये समझाया भी अब एक साल के बच्चे को तो बैठ के आप लेक्चर नहीं दोगे लेकिन पाँच साल के बच्चे को छः साल के बच्चे को तीन साल तक के बच्चे को आप बता सकते हो कि ये मामा का और अहमद का टाइम है इसमें आप सब लोगों के लिए मैंने क्या एक्टिविटीज रखी हैं आप लोग खेल सकते हो या आप लोग जो मर्जी करो मामा अहमद के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे अब मामा और खतीजा का टाइम है अब मामा और फातमा का टाइम है अब मामा और मोहसन का टाइम है यू हैव टू गिव एटलीस्ट फाइव टू टेन मिनट्स अनडिवाइडेड अटेंशन टू ईच चाइल्ड इस पे एक सवाल पिछली दफा आया था कि बच्चे फुलफिल्ड नहीं फील करते हैं तो इसका मतलब है उनकी वो फुलफिलमेंट अटैचमेंट नीड पूरी नहीं हुई कुछ बच्चे जरूरत से ज्यादा क्लिंगी होते हैं मैं मानती हूँ इस बात को उनकी फितरत का एक हिस्सा है वो फिर हमारा तरीका है कि हम फाइंड आउट करें कि हम उनकी इमोशनल नीड को किस तरह से फिल कर सकते हैं और बाउंड्री क्रिएट करें